वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मामा कोस्ट मोहम्मद रहमान MR एजुकेशन अकेडमी से। तो जो हमारा कोर्स चल रहा है वो है ऑटोकैड का, इसकी जो कमांड आज हम क्रिएट करेंगे और यूज़ करेंगे वो है मल्टी लाइन कैसे यूज़ करनी है, मल्टी लाइन स्टाइल कैसे यूज़ करना है, और मल्टी लाइन को एडिट कैसे करना है, और इनकी शॉर्टकट कौन क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो। जो मल्टी लाइन की शॉर्टकट कमांड है वो है MLEnter, MLEnter। नीचे नीचे आ रहा है मल्टी लाइन स्पेसिफिक स्टार्ट पॉइंट आर जस्टिफिकेशन स्केल एंड स्टाइल। तो पहले हम इस को फॉलो करेंगे। ये देखिए, ये मल्टी लाइन में यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। तो फिर मैं इंटर, अब मैं जस्टिफिकेशन सेट करता हूँ जस्टिफिकेशन के लिए इंटर। तो यहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ टॉप से। तो देखिए, ये मेरा टॉप पॉइंट से शुरू हो रहा है और टॉप पॉइंट पर ही ख़त्म हो रहा है। मैं फिर एक मान लेता हूँ 0.5 से, ये मेरा पॉइंट यहाँ से शुरू हो रहा है मेरे कर्सर का। आप इसके देख भी रहे होंगे। इसके बाद आगे आ जाता है बॉटम से, तो ये कि निचले पॉइंट से शुरू हो रहा है लाइन से। मैं स्केल यूज कर रहा हूँ, ये पहले से ही वहाँ है, वन है, तो मैं यहाँ पर 2 एंटर कर रहा हूँ, मैं यहाँ से टॉप कर रहा हूँ। मैं दूसरे के यहाँ पर मैं वहाँ सेलेक्ट करूँगा। ये देखिए, ऊपर वाली स्केल है वो 2 है, ये नीचे वाली है वो 1 स्केल से मैं बना रहा हूँ। इसके बाद अभी तक स्टाइल, इसके बारे में आप बताऊँगा स्टाइल के बारे में। हमारा अभी यूज़ हो रहा है वो है स्टैंडर्ड, कैसे क्रिएट करना है ये मैं आपको बताऊँगा अभी। अब मल्टी लाइन स्टाइल के लिए हम यूज करेंगे MLST मल्टी लाइन स्टाइल। तो ऐसे ही हमारा ब्लॉग ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड दे रहा है ये वाली, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे न्यू, यहाँ पे मैं बना रहा हूँ मैप उसको। तो जैसे ही मैं यहाँ पर वैल्यू ऐड करी हूँ यहाँ पे इसका प्रीव्यू हमें देता रहेगा। तो यहाँ पे मैं
एनर्जी है ये जीरो पे आई है, ये वाली ये जीरो पे है, 0.5 यहाँ से यहाँ तक है, 0.5 यहाँ से यहाँ तक, और टोटली यहाँ से यहाँ तक है 1 का फासला। तो यहाँ पे मैं इसको चेंज भी करके आपको दिखा सकता हूँ, यहाँ पे 1 किया मैंने, देखिए फासला 1 का हो गया, 0 से यहाँ तक 1 का फासला। ऐसे ही मैं इसको चेंज कर सकता हूँ यहाँ से, ये 1 के यहाँ से यहाँ तक, 1 से 1 के यहाँ से यहाँ तक फासला हो गया, ये टोटली फासला 2 हो गया यहाँ से। लेकिन मैं अपने पॉइंट पे सेट करता हूँ, या मैं उसके कलर भी चेंज कर सकता हूँ, रेड पर्पल लाइन का, वो जो जीरो लाइन है उसका येलो, आप कोई भी कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये मैं ब्लू कर लिया, मैंने ब्लू मैं यहाँ पर मैं ये कर लेता हूँ, और यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट से हमने लाइन लगानी है, स्टैंडर्ड स्टार्ट यहाँ से स्टार्ट पॉइंट आपका ये है, वो ये बंद कर देगा लाइन लगा कर, इस तरह एंड पॉइंट पे भी ये ऐसे कर देगा। और ये यहाँ पे 90 है, तो 90 का एंगल है ये वाला, देखिए आप यहाँ पे आर्क भी लगा सकते हैं स्टार्ट पॉइंट पर भी और एंड पॉइंट पर भी। यहाँ पर मैं एंगल चेंज कर सकता हूँ उसका, देखिए ये 45 एंगल पर शुरू हो गई है मान, नाइनटी मैं सेट कर रहा हूँ 90 पे। अब मैं इसको कर लिया है, वो ये भी रहने देता हूँ ये वाला, इसको बाद में बताऊंगा इसको क्या करना है अपने, ओके कर लेते हैं मैं, और यहाँ पे सेट करंट कर लेता हूँ, ओके। अब मैं दोबारा लाइन यूज कर रहा हूँ, देखें देखिए, फिर मैं लाइन स्टाइल भी आ रहा हूँ यहाँ पे, मैंने ओके कर दिया, सेट काउंट ओके।
फिर मैं मल्टीपल टैक्स यूज करूँ वहाँ पे। मैं इसको यहाँ बंद कर रहा हूँ, ये देखिए इसने इस लाइन को टोटली फिल कर दिया, यहाँ पे टोटली फिल कर दिया। यहाँ पे मैं फिर क्या करूँगा, मल्टीपल स्टार इंटर, अब मैं इसको एडिट करूँगा थोड़ा सा। अगर हम इसे ट्रिम करेंगे तो ये टोटली ट्रिम हो जाएगा, तो इसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ MLED IT मल्टी एडिट। ये भी ब्लॉक्स ओपन हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। मैंने इस लाइन को सिलेक्ट किया, इस लाइन को सिलेक्ट किया, देखिए इसने चेंजिंग कर दी थोड़ी सी। मैंने ये सिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट किया, यहाँ से आप वो भी चेंज कर सकते हैं। MLED T इसकी शॉर्टकट कमांड है, शॉर्टकट कमांड है मल्टी लाइन एडिट की। यहाँ पर ये यूज कर रहा हूँ, मैंने यहाँ एंटर किया, यू क्लिक किया, ये हमारी अगली कुटिल इसने खत्म कर दी है। इस तरह से आप मल्टी लाइन कैसे यूज करना है, मल्टी लाइन स्टाइल कैसे यूज कर सकते हैं, और मल्टी लाइन को एडिट कैसे करना है, ये हमने सीख लिया आज। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ये वीडियो। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।